ओ समप्यास पूज बिना सूरज नीर भलो अपने घड़ा को और पति बिरता है सत ना छोड़े कामी कितनो उरेल भिया ना चंचल में न कबहू ना छुपिए घूंघट स्त्री के चक्कर में जो आया वो दुनिया से गया। उस रावण को देखो लंका जल गई, बाली को देखो स्वयं मिट गया, इंद्र को देखो संसार से कलंकित बन गया। कहां तक बताया जाए। भगवान बोले कोई बात नहीं लाओ। भगवान ने मुस्कुराते मुस्कुराते और अमृत का घड़ा लेके अपनी बगल में ले लिया। और दादा एक बात बताएं, कऊ भाभी को कोई देवर हो नई उम्र को, और भाभी पूछे लाला कहाँ जा रहे हो, वो कहू ना थोड़ी बाजार करवे जा रहे हैं। भाभी कछु है जेब में दिखाई हो, अगर 500 को लोट भाभी के हाथ में आ जाए तो देवर की औकात ना आए कि फिर वो मुट्ठी में से छीन ले। पर खुशामत ही करे बाजार करे उन्हें, भाभी दे दे रुपया दे बाजार करे आऊ, जो मंगाओ भी बोला देंगे, लेकिन लेकिन इतनी औकात नहीं है कि वो छीन ले। क्यों? नारी तो नारी होती है। धीरे धीरे भगवान ने जो घड़ा था वो अपनी बगल में ले लिया। फैसला कर दे। बलि बोला बिल्कुल बिल्कुल फैसला करो और हमारे साथ तुम महलों में बनके रानी बनके रहना। तो लाइन से खड़े हो जाओ। महाराज एक तरफ लाइन से देवता लगा लिए और एक तरफ लाइन से राक्षस खड़े कर लिए। जहां देवता खड़े हैं भगवान ने देवताओं की ओर से अमृत पिलाना शुरू कर दिया। एक राक्षस कहने लगा महाराज ये क्या हो रहा है, आपकी आंखें तो नहीं फूट गई, एक लड़की के चक्कर में आके तुमने अमृत का घड़ा दे दिया। मेहनत हमने भी की, हम खड़े खड़े देख रहे हैं देवता अमृत पी रहे हैं, ये हो क्या रहा है। बलि बोला ए चिल्लाओ नहीं, लड़की फैसला सही कर रही है। धीरे से कहा बलि ने, अरे एक देवता को पिलाती जाओ तो एक राक्षस को पिलाती जाओ। भगवान मुस्करा के बोले आहा तुम्हें पता नहीं है इसमें पतला पतला अमृत जो ऊपर है ना उसे देवताओं को पिला के पागल बना दूंगी, और जो गाढ़ा गाढ़ा रह नहीं जाएगा वो मैं तुम्हें पिलाऊंगी जिससे तुम सामर्थ्यवान बन जाओगे। बलि कहने लगा सही हो रहा है फैसला, होने दो होने दो होने दो। और सब अमृत का घड़ा देवता पी गए। सूर्य चंद्रमा अमृत पी रहे थे, दोनों के बीच में एक राहु नाम का राक्षस आके खड़ा हो गया देवता बनके। अमृत पी नहीं पाया, घंटे तक पहुंचा सोई। एकदम चंद्रमा सूर्य ने कहा महाराज ये राहु है, और भगवान ने घड़ा में कुछ बचा भी नहीं था, शरीर पर पटक दिया और सुदर्शन चक्र लेके बीच में से दो टुकड़े कर दिए। और दोनों टुकड़ा मरा नहीं, क्यों? अमृत पी चुका है। आसमान को उड़ गए, एक राहु था और दूसरा बन गया केतु। जो देवता अमृत पीता जाता था उसी को उस अमृत में भगवान विष्णु के दर्शन होते जाते थे, वो समझ जाते थे ये कोई लड़की नहीं स्वयं भगवान ही आए शंका का समाधान करने। अब क्या था, अब तो ना कोई स्त्री थी ना कोई लड़की थी, अब तो आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया। इतना युद्ध हुआ कि राजा बलि उस युद्ध में समाप्त हो गए। गुरु शुक्राचार्य ने देखा हमारा शिष्य बलि मारा गया, संजीवनी बूटी विद्या को पिला करके उसे जिंदा कर दिया। और तब जीवित होने के बाद बलि ने कहा कि अब हमें गुरुजी इंद्रासन चाहिए, देवताओं से इंद्रासन जरूर छीनूंगा। तो शुक्राचार्य ने कहा था कि चलो भृगुकक्ष क्षेत्र में यज्ञ रचाएंगे, जिस दिन 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे हम तुम्हें इंद्र का पद दे देंगे। तब बलि ने यज्ञ रचाया था, भगवान फिर पहुंच गए तीन पग भूमि में, पाताल को भेज दिया। ये कथा मैं सुना चुका हूं आपको। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, और ये दान आया है 20 रुपए
रामवती 10 रुपए, नवनीत 10 रुपए, सुमित 20 रुपए, पन्ना लाल जी नगलिया देवी से 10 रुपए, धर्मेंद्र 10 रुपए, सौरभ 10 रुपए, विशेष 10 रुपए, देवेश कुमार जी ठाकुर जी के चरणों में बैठ कर रहे हैं, और 10 रुपए लोकेश, 10 रुपए हेमलता और 10 रुपए रजनी, ये रूम सिंह जी की सुपुत्री हैं, 10 रुपए राम किशोर सन और महावीर जी, और 50 रुपए नरेश सहाल जी, और 50 रुपए श्रीमान उदयवीर सिंह जी ठाकुर जी के चरणों में बैठ कर रहे हैं। भगवान सदा सुखी रखें। अभी एक भजन की मांग आई थी, और वो भजन क्या है कि पहले जमाने के जो लोग होते थे